सफलता के लिए जरूरी है कि उसे चुनौती समझकर स्वीकार करें, कड़ी मेहनत करें, परिणाम चाहे कुछ भी हो उसकी चिंता ना करें। ये बात उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नई पुलिस लाइन में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल करनाल में मंडल स्तरीय कानूनी साक्षरता प्रतियोगिता में छात्रों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए छात्रों को बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि कई बार बच्चे परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखें लगातार असफलता के बाद सफलता निश्चित है। इसके लिए उन्होंने विश्व के महान समाज सुधारक और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण देकर उनके जीवन से जुड़े एक वृत्तांत को विद्यार्थियों को समझाया। जापानियों के मछुआरों को अपने व्यवसाय में लगातार असफल होते रहने से बार बार कोशिश कर सफलता प्राप्त करने की एक प्रेरक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कंपटीशन में शामिल हुए विद्यार्थियों को मेहनत का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कंपटीशन में बेस्ट से बेस्ट करें और पुरस्कार प्राप्त करें। अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहां से सफल होकर भी स्टेट में भी पुरस्कार लें। उपायुक्त ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल ने उपायुक्त का स्वागत करते हुए बताया कि डिवीजन बनने के बाद पहली बार करनाल में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इससे पूर्व ये कार्यक्रम दूसरे मंडलों में होते थे। एक दिवसीय प्रतियोगिता में करनाल सहित पानीपत व कैथल के करीब 200 प्रतिभागी बच्चे भाग ले रहे हैं। कंपटीशन में जो बच्चे अव्वल रहेंगे उन्हें क्रमशः 5100, 3100 व 2100 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और इसके बाद पुरस्कार प्राप्त बच्चे आगामी 19 व 20 फरवरी को सोनीपत में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे। उसमें जो बच्चे अव्वल रहेंगे उन्हें 11000, 8000 व 7000 के प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन था, वेन्यू हमारा स्कूल ही रहा था और आज सर को हमारा स्कूल इतना प्यारा लगा, इतना ब्यूटीफुल लगा और है ही तो आज डिविजनल लेवल पे हमारा ही वेन्यू रहा, तो जिसमें डीसी सर आए, आपने देखा भी आए थे सर, और साथ में सभी जिले के जो भी डिस्ट्रिक्ट के डीओस, बीओस, एवरीबडीज है। तो हाँ, आई एम एग्री विद यू कि जरूरी है ये कॉम्पिटिशन्स ऐसे लेवल पे या बच्चों के लिए को करिकुलर में पार्टिसिपेट करना। देखिए कई बार ना बच्चे के अंदर मान लिया कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो मगर कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स होते हैं कि बच्चा उसमें एक्सेल करके आगे जा सकता है, मगर मेरा ऐसा मानना है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा 100/100 वाला होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, मगर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर वो उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे, मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं 100/100 वाला बच्चा नहीं रही हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे अपने क्लासमेट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत टॉपर्स थे मगर आज शायद कहीं मतलब इतने एक्सेल नहीं कर रहे। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है बच्चे के अंदर कि वो कहीं पे भी अपने आप को प्रूव कर सकता है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो वो आगे जाके किसी अच्छी रैंक पे बैठेगा या कुछ करेगा। ऑलराउंडर बनने के लिए को करिकुलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जैसे सर ने बताया कि कभी हार नहीं माननी है, यही हम जितने भी बच्चे हैं हमारे करनाल के सबको मैं ये कहना चाहूँगी। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं जो मुझे अच्छा लगता है मिल्खा सिंह जी का, कि जब मिल्खा सिंह जी ओलंपिक्स में गए तो वो दौड़ रहे थे, वह फर्स्ट आना चाहते थे, उन्होंने एक मिनट के लिए पीछे मुड़ के देखा और वो फोर्थ आ गए, फर्स्ट नहीं आ पाए। तो उससे क्या सीखने को मिला कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो टारगेट आपका अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, मगर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप उस लेवल पर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हमने दोबारा एफर्ट करना और दोबारा आगे बढ़ना है। और मेरी लाइफ में भी मैंने यही इंप्लीमेंट किया और मेरे स्टाफ को भी मैं यही सिखाती हूँ कि ऑलवेज गिव योर 100% और यू विल एक्सेल, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे ही जीतेंगे। डिविजनल लेवल लीगल लिटरेसी कंपटीशन है, उसमें 3 जिलों के बच्चे हमारे यहाँ पे शामिल हुए हैं, लगभग 200 के करीब बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से जो टॉप 3 बच्चे आएंगे वो फिर अपने अपने कैटेगरीज में स्टेट लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, तो मेरी इनको आगे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि हमारे डिवीज़न के जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज में स्टेट लेवल पे अवार्ड जीतेंगे जी। और मैंने इनको संबोधित भी किया है और मैंने इनकी हौसला अफजाई भी की और इनको यही संदेश दिया है कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, फिर भी अगर असफलता मिलती है तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है,
आगे और ज़्यादा मेहनत के साथ तैयारी करें। सर सभी सबसे यही बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दें, अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति आभारी रहें और हमेशा चुनौतियाँ लेते रहें। जितने ज़्यादा खुद को वो चैलेंज करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सफलता पाएंगे। सर एक कल बसंत पंचमी है, उसके लिए चाइनीज डोर से काफ़ी नुकसान होता है, पक्षियों की बात की जाए या इंसानों की भी गर्दन कई बार कट जाती है, उसको लेकर सर आप क्या मैसेज? इसके लिए हम 144 सेक्शन लगा करके इसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई चाइनीज डोर बेचता हुआ, सेल करता हुआ पाता है या इस्तेमाल करते हुए पाता है तो कार्रवाई करें। थैंक यू सर।